अगर बात की जाए भारत सरकार की, तो यूं तो सरकार द्वारा लोगों के हित के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, खासकर ग्रामीण नागरिकों के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं आज भी हमारे देश का ये हिस्सा पिछड़ा हुआ माना जाता है। भारत सरकार द्वारा की गई ऐसी ही एक कोशिश हमारे सामने आई वित्तीय साक्षरता के रूप में, जो कि वित्तीय स्वावलंबन की दिशा की ओर इशारा करती है। ये योजना खासा बनाई गई ग्रामीण नागरिकों के विकास और वित्तीय सुरक्षा के लिए। इस योजना के तहत सरकार द्वारा कई सारी बैंक और बीमा संबंधित योजनाएं लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। सरकार के इसी प्रयास को लोगों तक पहुंचाने के लिए वनस्थली विद्यापीठ ने एक बहुत ही अच्छी पहल की। जी हाँ, विद्यापीठ द्वारा वित्तीय साक्षरता शोध केंद्र की मदद से ग्रामीण महिलाओं तक सरकार द्वारा बनाई गई इन योजनाओं को पहुंचाया, ताकि उन सभी को इन योजनाओं का लाभ मिल सके और वो अपने आज को ही नहीं बल्कि अपने कल को भी बेहतर और सुरक्षित रखने के लिए एक ठोस कदम उठा सकें। मेरा नाम गीतेश राजावत है, मैं नस्ली एयरपुरा की रहने वाली हूँ। मैंने 20 साल से मेरा खाता बैंक में था, इसके लेन देन मेरे परिवार के सदस्य ही करते रहे, इसकी मेरी कोई जानकारी नहीं थी। जब से मैं वित्तीय साक्षरता से जागृत हुई, इससे मैं नई नई योजनाएं प्राप्त मिली है, जैसे 330 वाला बीमा। इससे मेरे को ये फायदा मिलता है कि घर बैठे ही एफआईआर हो जाए या कहीं दुर्घटना हो जाए तो गवर्नमेंट हमें जीवन बीमा देती है और मेरे परिवार के भविष्य में ये काम आता है। मैं सभी बहनों से ये जागरूक करती अपना बीमा अवश्य खुलवाने के कष्ट करें। मेरा नाम माया शर्मा छे, मैं बनसली गांव में रहूं छू और मारो काम छे घर घर जार लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करवा को काम छे। मैं पहली बैंका को काम कौन करे छी, मैंने बैंका की जानकारी भी कौन छी। यो बैंका को सारो काम काज मारा पति संभाले छा और मैंने जद मैं बाहर जाऊ छी तो मैंने पैसा की आवश्यकता पड़े छी, पर मैंने एटीएम चलाबो को ना आवचो तो मने घनी समस्या हो ची। अब एक दिन तो ऐसे हो गयो कि मने एटीएम की सख्त आवश्यकता ची, पैसा की बहुत जरूरत ची। अब एटीएम चलावा हो तो मैं पैसा निकालू और उस स्थिति में मैं घर आर बहुत दुखी हुई। फिर मैं वित्तीय साक्षरता केंद्र से जुड़ी और मने सुनीता जी मिलिया। सुनीता जी मने सबसे पहले एटीएम चलाबो सिखाया और आज मैं एटीएम ने काम ले लू छू और मारा पैसा निकाल लू छू। अब मैंने कोई समस्या को ना आवे इसलिए मैं लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक तो कराई थी, पर मैं अब चेने घर घर जा रहे सब महिला ने जार एटीएम चलाबो अब मैं और सिखाऊ छू। तो मैं वित्तीय साक्षरता ने धन्यवाद दू छू कि मैंने वो एटीएम चलाबो सिखाया। मेरा नाम कांता देवी है, मैं गाँव वनस्थली की रहने वाली हूँ। मुझे बैंकों के बारे में पहले कुछ भी मालूम नहीं था, लेकिन वित्तीय साक्षरता शोध केंद्र योजनाओं में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद में मुझे बैंक की जानकारी मिली और मैंने अपना खाता बैंक में खुलवाया। साथ ही 2 लाख रुपए वाला बीमा भी करवाया, जिसमें मुझे 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिला। मेरा नाम मधु शर्मा है, मैं वनस्थली गाँव में रहती हूँ और मैं वित्तीय साक्षरता से जुड़ी हुई हूँ और मेरी एक बेटी है। तो मुझे परेशानी थी कि मेरे बेटी को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे शादी करूंगी। तो सुनीता जी ने बताया कि आप वित्तीय साक्षरता योजना में का लाभ उठाओ, सुकन्या योजना का लाभ उठाओ और उसमें खाता खुलवाओ तो आपको परेशानी नहीं आएगी। मैंने खाता खुलवाया तो अब मुझे परेशानी नहीं आएगी कि मैं मेरी बेटी को पढ़ा भी सकूंगी, शादी भी कर सकूंगी। और मैं वित्तीय साक्षरता योजना वालों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि ये सुकन्या योजना सब बहुत अच्छी है, इसका सब लाभ उठाए। मेरा नाम पुष्पा देवी है, मैं वनस्थली हरिपुरा की रहने वाली हूँ। मैं एक आंगनवाड़ी में वर्कर हूँ। मेरे बैंक में पहले से खाता था, लेकिन मैं बैंक नहीं जाती थी। बैंक में मेरे परिवार वाले लेन देन किया करते थे। उसमें वनस्थली विद्यापीठ वित्तीय साक्षरता शोध कार्यक्रम शुरू हुआ, उसमें मुझे जुड़ने का मौका मिला। उसमें मुझे अटल पेंशन योजना अच्छी लगी, उसमें मुझे अटल पेंशन योजना में मेरा खाता खुलवाया और रिश्तेदारों पड़ोसियों को बड़े बूढ़ों को देखकर बहुत दुखी होती थी मैं। अगर सरकार इनकी योजनाओं पहले चालू कर देती तो आज इनकी भविष्य उज्जवल हो जाता। आज सरकार ने ये अटल पेंशन योजना लागू की तो मैं रिश्तेदारों और पड़ोसियों का भी खाता अटल पेंशन योजना में करवाऊंगी।
मेरा नाम चंपा कुमावत है, मैं मोतीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरा बैंक में पहले खाता था लेकिन ना ही मैं उसमें लेन देन करती थी और ना ही मुझे किसी बैंक की योजना के बारे में पता था। जब मैं वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम से जुड़ी हूँ तब मुझे बहुत सी योजनाओं के बारे में पता चला। इसमें जनधन योजना के बारे में भी बताया। मैंने फिर जनधन योजना में खाता खुलवाया। खाता खुलवाने के बाद मुझे ये पता नहीं था कि इसमें क्या क्या योजनाएं, क्या क्या लाभ हैं। फिर मैंने लाभ रुपए कार्ड के बारे में उनसे सीखा। उनसे उन्होंने बताया कि इसे ऐसे चलाते हैं। फिर मैंने चलाना सीखा। फिर चलाने के बाद मैंने उसको रुपए कार्ड से लेन देन शुरू किया। शुरू करने के बाद जब मुझे पता चला कि इसमें 1,00,000 रुपए का जीवन एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा व 30,000 रुपए का जीवन बीमा का लाभ है, तो फिर मुझे आगे के समय में दुर्घटना से सुरक्षा मिलेगी। इस पहल के तहत आज की ग्रामीण नारी किसी के आश्रित नहीं, न केवल वो अपना वित्तीय सशक्तिकरण कर रही बल्कि अपने व अपने परिवार के लिए वित्तीय निर्णय लेने में पूरी तरह से सक्षम है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ये कई बार हम सब ने अपनी जिंदगी में लोगों को कहते हुए सुना होगा, तो क्यों ना आज इसे अपनी जिंदगी में आजमा के देखा जाए। बीमा जिंदगी को बुढ़ापे तक सुरक्षित रखने की ऐसी कड़ी है जिसे कोई कभी नहीं तोड़ सकता। बुढ़ापा इंसान की जिंदगी का एक ऐसा दौर है जहां इंसान हर वक्त किसी न किसी सहारे की तलाश में होता है, और आज का दौर ऐसा है जहां अपने अपनों का साथ देने से बड़ी आसानी से मुकर जाते हैं। ऐसे समय में वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहना बहुत जरूरी है ताकि बुढ़ापा सुख और शांति से काटा जा सके।